ये सर अपनी दुकान से आ रहे थे करीब 6:30 बजे के टाइम पे, तो रोड नंबर 6 पे इनके साथ लूट हुई और अपनी मोटरसाइकिल से, जिस मोटरसाइकिल से आ रहे थे उसमें पहले इनकी गोली मारी, फिर बैग छीन के भाग गए, माल लूट के वहीं बैग फेंक गए और माल सारा निकाल के ले गए। ये लगभग करीब 4.5-5 लाख रुपए की लूट हुई है। पुलिस इज्जत नगर इंस्पेक्टर का शाम को लगभग 8 बजे के आसपास से एक फ़ोन आया है, मेरा भाई संतोष सिंह है, उनका गोली मार के, उनका जो भी बैग में रखा था सामान, सोना का सामान वगैरह सब लूट के भागे, ऐसा सूचना मिली है। बाद में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचा था, मौके पर कोई नहीं मिला, उसके बाद सूचना पता चला गंगासील हॉस्पिटल में, वो आके एडमिट हुआ। अब हम लोग हॉस्पिटल में सभी अधिकारी लोग, IG और हम सभी लोग, ऑफिसर सभी लोग आए थे, मौके पर आके देखा हम लोगों ने, और उसके बाद पूरा जाँच में पता चला है वो जो सरापा के व्यापारी है उसका नाम संतोष सिंह है, वो प्रेमनगर का रहने वाला है, वो प्रतापपुर में वहाँ पर उनका दुकान रखा है, दुकान से वो दुकान बंद करके शाम को वापस घर लौट रहा था। वो लौटने के समय कर्मचारी नगर इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे गली नंबर 5 और 6 के बीच में वो रास्ते में आ रहा था, वहाँ कुछ अज्ञात लोग आया, उसका गोली मारा, उसके साथ उनसे बैग छीन के, बैग में जो भी सामान था उनका पैसा सब लूट के उसका बैग वहाँ छोड़ के भाग गया था। ये पता चला प्रिलिमिनरी में, और हमने पूरा लगातार अभी हम लोग 4 टीम गठित कर चुके हैं, अभी हम लोगों ने जो जो सस्पेक्टेड है उनसे किसी से लेन देन है उनका सबका हमने रवाना कर दिया टीम, अभी जाके उनको पकड़ने के लिए पुलिस टीम गई है, और उसके साथ साथ उनका परिवार लोग से हम लोग अभी सब जांच कर रहा है, और इसका कोई ऐसे कोई मामला घटना में प्रथम देखने में लग रहा है कोई प्लान करके घटना कर लिया इस तरह का, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी केस का वर्कआउट करेंगे।